अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ उश्ना अख्तर, आपकी अपनी उश्ना अख्तर, अल्लाह खैर करें। तो मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम बहरिया ऑर्चर्ड के ज़ू चलें ऐसे ही ख्वार होने के लिए। तो आज हम लोग जाएंगे बहरिया ऑर्चर्ड, और आप लोग देख सकते हैं कि बहरिया का ही साइन है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही। बहरिया ऑर्चर्ड एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मुख्तलिफ जगह है, जहाँ पर जाकर आपको लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान ही है और ये पाकिस्तान की ही जगह है। यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये ज़ू की एंट्रेंस है। ज़ू में आगे जाने के बाद हमें बहुत ही मुख्तलिफ जानवर नज़र आए, जैसे कि मेरे बहन भाई ओके सॉरी मजाक था, लेकिन बहुत ही मुख्तलिफ जानवर नज़र आए, जैसे कि कछुआ, तेंदुआ, सॉरी ये वाले जानवर नज़र आए थे। आगे जाके हम लोगों ने जब देखा तो हमें डक्की भाई, मेरा मतलब है कि डक्स कुछ नज़र आई थी, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही नखरीली होते हैं, जो कि आगे आने की ज़रूरत भी नहीं करती। पता नहीं क्या मसला इनका, अपने एटीट्यूड होता है इनका, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। और ये आप लोगों के सामने बिल्कुल मेरी तरह का बहादुर, बिल्कुल मेरी तरह का मेच्योर जानवर नज़र आ सकता है आप लोगों को, शेर। और ये मुझसे डर के भाग चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये अलग बात है कि पास आ गई दोबारा से। और उसके बाद हम लोग ने ज़ू से वापसी भी ली, और हम लोग ज़ू से वापस चले गए, चिड़ियाघर से वापस चले गए, और हम लोग ने बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी देखे। लग पाया तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी। बाप मेरे भाई की अब आप लोग मेरे भाई की आवाज़ को इग्नोर करते हुए मेरी आवाज़ को सुनें कि आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इतना अगर अच्छा लगा भी नहीं तो फिर भी लाइक कर दीजिएगा जी सॉरी मिस्टेक हो गई थी। मैं कहती हूँ अगर आप लोगों का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बस थैंक यू।